खबरों की नई पहचान। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार आज धनबाद पहुंचे। इस अवसर पर रणधीर वर्मा स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा वृहद स्तर पर आयोजित स्वीप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 25 मई 2024 को धनबाद में चुनाव होना है, इसमें सभी मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सशक्त लोकतंत्र के गठन में अपना योगदान दें। वहीं के रवि कुमार ने कहा कि धनबाद और झरिया शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अपेक्षा में बहुत कम रहा है। कई योग्य लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं कराया है, वहीं कुछ मतदान के लिए वोट डालने नहीं जाते, इस कारण मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। आयोग के विश्लेषण के अनुसार इन शहरों में 75% से अधिक मतदान होना चाहिए, लेकिन मतदान के लिए सभी को अपनी भागीदारी दर्शानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से वे विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम दीपिका है। दीपिका जी, क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम में आप आए थे? लोकसभा का चुनाव कुछ दिन में होने वाला है, तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी नागरिकों को कि अपना जो वोट है उसका सही उपयोग करिए और लोकतंत्र के चुनाव में अपना वोट डालिए, मतदान कीजिए और हमारे देश को सपोर्ट करिए और इससे और भी जागरूकता फैलाइए ताकि बाकी आपके भी आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनको भी वोट देने के लिए प्रेरित करिए और हमारे कंट्री का विकास हो और सभी लोगों का भी इससे विकास हो। संगीता जी, कहाँ से हैं आप? हम लोग बीए डिपार्टमेंट से हैं, SSRNP से। मैं परमसिया से आती हूँ। आज सरकारी कार्यक्रम था जिसमें भाग लिए थे, क्या क्या बताया गया इसमें? इस कार्यक्रम में इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ दी गई, इसमें बहुत सारे क्विज भी रखे गए, जैसे क्विज हो गया, ड्राइंग कंपटीशन था, पोएम कंपटीशन था, स्लोगन था। मैंने क्विज में पार्टिसिपेशन किया और सेकंड प्राइज मैंने जीता है। चुनाव को लेकर क्या आपकी अपनी राय है? चुनाव को लेकर मेरी राय है कि ये जितना डिजिटल होते जा रहा है वो ज़्यादा बेटर है। पहले के लोग जो थे वो जैसे इलेक्शन होता था तो वैसे बहुत वोट ऐसे ही काउंटिंग हो जाती थी, एक के बदले दूसरे लोग भी वोट दे देते थे, लेकिन EVM मशीन वगैरह आने से ये सब अच्छा होते जा रहा है और जितना डिजिटल युग होते जा रहा है वो बहुत अच्छा है। को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या कुछ कार्यक्रम आप पूरे चुनाव पर चलाएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं और ये जिला प्रशासन की ओर से जो स्वीप सेल है और स्वीप सेल के तहत ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है, साथ ही ये भी अपील करना है कि जिनका भी नाम जो 18 साल के ऊपर के हैं व्यक्ति हैं और जिनका नाम छूटा हुआ है मतदाता सूची में, वो अपना नाम सूची में दर्ज कराएँ और मतदान के दिन अवश्य मतदान करें। ऐसा बूथ आपने चिन्हित किए हैं जहां 50% से कम मतदान हुआ है, वैसे कितने बूथ हैं? ऐसे देखिए, सभी बूथ ऐसे चिन्हित किए गए हैं। हमारे पास जितने भी कम वोटिंग हुए हैं पिछले चुनाव में वो सारे हमारे बूथ चिन्हित हैं और बता देते हैं आपको। और ऐसे सभी हम लोग बूथों पर विशेषकर जिसमें कम मतदान हुआ है सभी जिला पर ये आइकन तैयार किया हुआ, साथ में आपका स्टेट गवर्नमेंट भी कमीशन लेवल पर भी आइकन का डिस्प्ले करते हैं पब्लिक के बीच में। ये चुनाव में ज़्यादा मैन एंड मटेरियल भुगनेश होता है, मतलब आपका 12% देखेंगे इतना मैन एंड मटेरियल कभी भुगनेश नहीं होता। सर, वोटरों को लुभाने के लिए क्या प्रक्रिया? वोटरों को लुभाने के लिए क्या प्रक्रिया चल रहा है? मतदान केंद्र तक मतदान करने जाए उसके लिए क्या प्रक्रिया? आने के लिए अपने व्यवस्था से आएंगे, परंतु सीनियर सिटीजन है, PWD वोटर है,
उनका बूथ आने के लिए हम लोग प्रत्येक बूथ पर गाड़ी का व्यवस्था रखेंगे, उनका व्हील चेयर का आवश्यक पत्र वो देंगे। वो सीनियर सिटीजन मतलब आपका 80-85 के ऊपर का है, पीडब्ल्यूडी का वो 40% ऊपर का डिसेबिलिटी है, वो बूथ नहीं आ सकता, इसीलिए हम लोग बूथ में उनको ले आने की व्यवस्था करेंगे। बाकी अदर वोटर है उनका मोबलाइज करवा रहा, बूथ पर आएंगे। हम लोग सभी बूथ 2 किलोमीटर का अंदर डिस्टेंस में करके रखा है, इसलिए अपने जगह पर कर सकते हैं। अर्बन एरिया में देखेंगे प्रत्येक बूथ के बगल में हम लोग पार्किंग का भी व्यवस्था कर देंगे। के न्यूज़ खबरों की नई पहचान।